उत्तर प्रदेश पुलिस UPSI एंड अदर राज्य के लिए महत्वपूर्ण आईपीसी की मुख्य धाराएं। आज हम मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में की मुख्य धाराएं पढ़ेंगे। धारा 191 में है मिथ्या साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 192 में है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। धारा 193 में है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड राष्ट्रीयता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 268 में है लोक निमिष। धारा 290 में है अन्यथा अनुपंधित मामलों में लोक निमिष के लिए दंड। धारा 292 में है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना। यदि कोई विक्रेता बुक सेलर अश्लील पुस्तकों का विक्रय करता है तो वो धारा 292 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। धारा 293 में है तरुण व्यक्तियों को अश्लील पुस्तकों का विक्रय, मतलब कि जो स्टूडेंट 18 साल से नीचे है उनको अश्लील पुस्तकों का विक्रय करने पर 293 में धारा लगेगी। 294 में, मतलब 294 में है अश्लील कार्य और गाने धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, मतलब कि अश्लील गाने गाता है या अश्लील कार्य करता है या धर्म के विपरीत अपराध करता है तो उसमें धारा लगेगी 294 में। 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थल पर क्षति पहुँचाना या अपवित करना। यदि मतलब कोई धार्मिक स्थल है उस पर वो मतलब तोड़फोड़ करता है या भगवान के चित्र के में तोड़ता है फोड़ता है उसमें धारा 295 लगेगी। धारा 295 क्या है? विमेंस विदेशपूर्ण कार्य को वर्ग के या तो धार्मिक विश्वासों का अपमान करने में उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया हो, मतलब कि जो ऐसा कार्य जो विश्वासों को अपमान करने हो तो धार्मिक भावनाओं को करने के लिए किया गया हो। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न डालना, मतलब कि 296 है यदि किसी की भगवान की यात्रा निकल रही है उसमें विघ्न डालता है तो उसमें धारा 296 के लिए दंड का भाग भी होगा। धारा 297 धारा 297 है कि कब्र स्थानों में अत्याचार करना, यदि कोई क्रम कब्र में अत्याचार करता है तो धारा 297 लगाई जाएगी। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना और इस आशय से सबूचा करना कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, मतलब कि 298 में यह है कि यदि वो धार्मिक भावनाओं भगवान या किसी को धर्म के प्रति मानने वालों के संबंध में गलत शब्द उच्चारित करता है तो उसकी धारा 298 लगेगी। यह IPC धारा 1 या 2 नंबर या 3 नंबर की हर एग्जाम में UPSI या अदर राज्य स्टेट में पूछी जाती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।